नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप एक एनपीएस कर्मचारी हैं और एनपीएस कर्मचारी के दौरान अगर आपने जो सेवा काल के दौरान आपकी जो कटौती हुई है एनपीएस के रूप में, उसे अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं यानी कि वो पेशे आप लेना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं और क्या इसके रूल्स है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसको हम संपूर्णतया समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक एनएसडीएल जो वेबसाइट है जो यहाँ पे ओपन है होम पेज, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सब्सक्राइबर को आईडी और पासवर्ड लगाकर देखेंगे कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ये जो आप पैसे विड्रॉल कर रहे हो एनपीएस की राशि, वो आपको कितने दिन में अकाउंट में आ जाती है। तो संपूर्णतया हम इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट लगानी है। वेबसाइट यहाँ पे लिखना है CRA NSDL.com CRA। ये आप जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली गूगल पे लिखना है NSDL login। तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करने हैं और यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन के लिए आपके पास एक यूजर आईडी जो आपके प्रान नंबर होंगे और पासवर्ड अगर आपके पास पहले से सेट है तो आप उसको लगा सकते हैं, अन्यथा अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी, वहां पे एंटर करने के बाद में आसानी से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यूजर आईडी लगाएंगे, उसके बाद में पासवर्ड लगाएंगे और उसके पश्चात कैप्चा एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे हमने जैसे क्लिक किया तो हम अपने अकाउंट पे लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको कुछ ऑनलाइन वर्क करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं, विड्रॉल के लिए आप कितने विड्रॉल कर सकते हो, कितने के लिए एलिजिबल हो। पहली बात आपको बता दें, अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत नियुक्त है, एनपीएस राशि अगर वो कटौती करवा रहा है, तो ऐसी स्थिति में टीयर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 3 साल होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको एक काम करना होता है जिसमें आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, डेमोग्राफिक चेंजेस। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको एक दिखाई देगा होगा फैक्टा सेल्फ क्लेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको यहाँ जाकर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और उसके पश्चात ही आप इसके लिए आगे के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं और उसके पश्चात आप इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन करोगे और मेरे केस में आप देखोगे कि फैक्टा CRS क्लेरिफिकेशन ऑलरेडी डन, तो ये डन हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर आपने डन नहीं कर रखा है तो एक OTP आएगा सिंपली और उस OTP को एंटर करने के बाद में आप क्लेरिफिकेशन है वो करना सभी को आवश्यक है। अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ जब आप ट्रांजैक्ट ऑनलाइन पे जाओगे और विड्रॉल पे जाओगे और यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉल फॉर्म्स यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा और मैसेज होने लगेगा कि आपको ये क्लेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, तो उसके बाद में आप कर लीजिए। तो कुछ रूल्स आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं, आपको देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए, उसके पश्चात यहाँ पे आपको कंडीशनल विड्रॉल जो है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्लान नंबर आपके यहाँ है और उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ देखते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे आपके प्लान नंबर आ गए, सब्सक्राइबर नाम सही आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई, विड्रॉल टाइप कंडीशनल विड्रॉल है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, उसके बाद में सेल्फ कंट्रीब्यूशन। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अपने सैलरी से जो पैसे कटवाए हैं एनपीएस के रूप में, एम्प्लॉयर के नहीं बल्कि एम्प्लॉय के जो पैसे हैं आपने खुद ने जो एम्प्लॉय के रूप में कटवाए हैं, सरकार की ओर से जो या कंपनी की ओर से जो जमा करवाए गए उस राशि को यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी खुद के जो पैसे हैं जो कटे हैं उस पैसों का ही कुछ प्रतिशत यानी कि अधिकतम 25% तक की राशि आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस केस में 2,37,566 रुपये यहाँ पे जमा है एनपीएस की राशि के रूप में। अब आपसे मांगा जाता है कि परसेंटेज टू बी विड्रॉल, तो कितने प्रतिशत आप विड्रॉल करना चाहते हैं, तो 1% से लेकर आप 25% तक पैसे जमा विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 25%, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 59,391 रुपये हम उठा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे आपसे रीजन मांगा जाता है, कुछ रीजन्स आपको देने पड़ेंगे, बिना रीजन आप ऐसे नहीं उठा सकते। तो सबसे पहले है हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, अगर आप उच्च शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बच्चों की शादी के लिए, या फिर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट, कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो या फिर आवासीय भूमि या फिर कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हो, तो ये ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफाइड इलनेस है, कोई विशेष बीमारी है, गंभीर बीमारी है, या फिर इनमें से कोई सा भी एक चुन सकते हो। तो हम अगर देखें तो तीसरा हम चूज करेंगे, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात आप देख रहे होंगे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप 1% से लेकर 25% तक कितनी भी राशि ले सकते हैं, जैसे हम 20 करते थे यहाँ पे इतनी आ जाएगी और यहाँ पे हम 25% करके देखते हैं, उसके बाद में हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
तो सबमिट पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया कि आपके 237,566 रुपए जमा है, जिसका आप 25% आप उठाना चाहते हैं, क्यों उठाना चाहते हैं ये रीजन भी दे दिया हमने। और उसके बाद में ये जैसे ट्रांजेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक ही होगा, ये इसको यही रहने देना है। उसके बाद आपकी अकाउंट की डिटेल्स आ गई, उसके बाद में आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गई, और उसके पश्चात आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, आप गूगल पे टाइप कीजिए कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर NPS विड्रॉल या NPS पार्शियल विड्रॉल, तो उस स्थिति में आप आसानी से एक PDF आपको मिल जाएगी। उस फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए, उसे प्रिंट आउट लेके उसमें जो जो भी राशि भरनी यानी कि जो जो सूचनाएं भरनी है, उसमें दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर दूसरा है वो मैरिज के लिए, तो दो में से किसी एक पे चूज कर दीजिए। और उसके पश्चात आप उसको एक 2 MB से ज़्यादा की फाइल आपको नहीं क्रिएट करनी है, 2 MB तक की फाइल आपको क्रिएट करनी है, और यहाँ पे आपको चूज फाइल पे जाके अपलोड कर देनी है। फॉर्म अपलोड करने के बाद में जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमने अपलोड कर दिया है, और अपलोड करने के बाद में हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में अगला स्टेप क्या आता है देखते हैं। कंफर्म पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में एक बार तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपकी अपनी सारी डिटेल्स आएगी, और उसके साथ साथ आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स आएगी जिसमें ये पैसे क्रेडिट होने वाले हैं। और उसके बाद में आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन और उसके पश्चात आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चेक राइट क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ देखना है ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा जिसमें लिखा हुआ होगा बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। उस पर हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में आपको एक OTP के माध्यम से या ई साइन के माध्यम से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप OTP को चूज करते हैं तो आपके पास 2 OTP आएगी, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और दूसरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। अगर आप ई साइन पे करेंगे तो एक आधार OTP आपके पास आएगी, आधार नंबर से अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक है तो वहां से आपको एक OTP प्राप्त होगा। इसमें लिखा हुआ है कि नाउ प्रोसीड टू OTP ऑथेंटिफिकेशन ई साइन फॉर योर विड्रॉल रिक्वेस्ट, काइंडली नोट दैट विड्रॉल रिक्वेस्ट विल गेट इनिशिएटेड इन CRA सिस्टम ओनली आफ्टर सक्सेसफुल OTP ऑथेंटिफिकेशन और ई साइन ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इफ OTP और ई साइन इज नॉट डन विद इन 15 days देन योर विड्रॉल रिक्वेस्ट विल गेट कैंसल इन CRA सिस्टम। 15 दिन के अंदर अगर आपने OTP के माध्यम से इसे वेरीफाइड नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, OTP पर इस पर राइट करेंगे, और उसके बाद में हमारे पास 2 OTP आएंगे, और 2 OTP वो कौन कौन से होंगे मैं दिखाता हूँ आपको। हमें 2 OTP प्राप्त हो गए हैं, एक हुआ है मोबाइल नंबर पर जिसे हमें यहाँ एंटर करना है, प्लीज एंटर OTP सेंड टू मोबाइल नंबर, और दूसरा यहाँ एंटर करना है जो ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड होगी, उसी के माध्यम से है वो OTP चला जाएगा। तो OTP के बनने के बाद में आपको सबमिट OTP पर क्लिक करना है। सबमिट OTP पर हमने जैसे ही क्लिक किया है तो उसके बाद में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, फंड विल बी ट्रांसफर्ड ऑन 5 working day, 5 working day के भीतर आपके अकाउंट में पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और OTP वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो उसके बाद में आपको डाउनलोड विड्रॉल फॉर्म या आपको फॉर्म डाउनलोड कर देना है, इसके साथ साथ आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपको डाउनलोड कर देना है, और ये दोनों ही ले जाकर आपको संबंधित SIPF ऑफिस में जमा करने हैं, वहीं से आपका वेरिफिकेशन होगा और 5 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसे है वो क्रेडिट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना NPS का पैसा आसानी से उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।